अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि फिक्र किस तरह से इंसानी जहन और जिस्म को असरअंदाज करती है और इसको किस तरह से दूर किया जा सकता है। मुकम्मल आगाही के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखें। फिक्र इंसानी जिस्म को तबाह करती है, आपके तखयल, आपकी सोच और आपकी जहानत को कम करती है। यह आपके माइंडसेट पर डिपेंड करता है कि आपने फिक्र करनी है या फिर आपने अपने आने वाले बेहतरीन मुस्तकबिल का यकीन रखना है। न्यू अपॉर्चुनिटीज तलाश करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने जहन को फिक्र से आज़ाद करके उम्मीद की तरफ ले जाएँ। जिस वक्त सब लोग खौफ में मुबतला होते हैं, आपको चाहिए कि आप खुद पर यकीन रखें। इंसान तभी जीतता है जब वो खौफ के बावजूद, फिक्र के बावजूद अपने कामिल ईमान के साथ अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ता रहता है। बेजा फिक्र इंसान को ऐसे लम्हा से जोड़ देती है जिसमें खौफ, डर, कमतरी जैसे एहसास मुंसलिक होते हैं। ये इंसान के जिस्म की तमाम तर तवानाइयों को ब्लॉक कर देती है। अमेरिकन मेडिकल रिसर्च से ये साबित हुआ है कि इंसानी जिस्म की बेजा फिक्र और खौफ इंसान को बड़ी बड़ी बीमारियों में मुबतला कर देती है, जैसे कि हार्ट अटैक, आर्थराइटिस, ज़हनी तनाव, डिप्रेशन, एंजाइटी डिसऑर्डर्स भी इसमें शामिल हैं, जो इंसान को मौत तक ले जाते हैं। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं और आपके रास्ते में खौफ और फिक्र मौजूद हैं, तो यकीनन आप बहुत जल्द नाकाम हो जाएंगे, क्योंकि फिक्र इंसान को पॉसिबिलिटी से दूर करती है। अब हम बात करते हैं कि आप फिक्र को किस तरह से दूर कर सकते हैं। अब मैं आपको एक मिसाल दूंगी। ब्रूस ली ने एक तरीका ईजाद किया था जिसमें वो अपने हर फिक्र के एलिमेंट को एक कागज़ के टुकड़े पर लिखकर ऑब्जर्व करता था। वो कागज़ को जलते हुए देखकर ये महसूस करता था कि इनकी तमाम तर फिक्रें इस कागज़ के जलने के साथ साथ हमेशा के लिए ख़त्म हो चुकी हैं। अपने अल्फाज के चुनाव में फिक्र कम से कम रखें। आपकी गुफ्तगू में जितना कॉन्फिडेंस होगा, आप उतने ही कामयाब होंगे। आखिर में सबसे अहम चीज़ है शुक्रगुजारी। शुक्रगुजारी यानी कि ग्रैटिट्यूड इंसान की तमाम फिक्रों और गैर मामूली सोचों को दूर करता है। आप जितना शुक्रगुजार होते हैं, आपकी ज़िंदगी और आपकी सेहत में उतनी बेहतरी आती है। आपकी ज़िंदगी, सेहत और आपके रिश्ते इम्प्रूव होते हैं। इसलिए खुद को फिक्र से आज़ाद कर दें। इंसान अगर अपनी फिक्र से आज़ाद हो जाएगा तो वो अच्छे मुस्तकबिल और अच्छे गुमान को रखते हुए अनथक मेहनत और कोशिश के साथ हमेशा आगे बढ़ता रहेगा और कभी भी नाकाम नहीं होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करें। अगर आप अपनी सोच को मुस्बत बनाने और अपनी सलाहियतों में इजाफे की ख्वाहिशमंद हैं तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल थिंक बिग को। अपनी कीमती राय से नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर आगाह करें ताकि हम जान सकें आप क्या सुनना और देखना चाहते हैं। अपना ख्याल रखें, हमेशा खुश रहें। माह मजमल को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।